गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो ट्रिक क्लास 10th एंड 12th। आज हम आपको बताने वाले हैं जेनेटिक्स स्टडी। व्हाट इज जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड टू जेनेटिक्स। हु वाज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के पिता किसे कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जी जेनेटिक्स के फादर हैं। हम आपको बताएंगे कि मेंडल जी के तीनों नियमों और उनके अनुप्रयोग को भी बताएंगे। तो आज से हम जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फुल जेनेटिक्स, ऑल क्वेश्चन, ऑल जेनेटिक्स रिलेटेड सब क्वेश्चन आपको हल करना सिखाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बायोट्रिक क्लास 10th एंड 12th। हम आपको आज बताएंगे कि बेसिक जेनेटिक्स। मेंडल जी ने मटर के पौधों को चुना था, ये आप सभी जानते हैं। मटर के पौधों को उन्होंने क्यों चुना था, कई बार ये सवाल पूछा जाता है। तो उसका आंसर है, मेंडल ने मटर को पौधे को इसलिए चुना क्योंकि ये एक वर्षीय होते हैं, इसे आसानी से उगाया जा सकता है, इसमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित होते हैं, मटर के पुष्प उभयलिंगी होते हैं, मटर के पौधे में स्वपरागरण एवं परपरागरण होते हैं, मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न कराते हैं। और मेंडल जी ने कौन से 7 लक्षण चुने, ये आज हम लोग आपको बताएंगे। मेंडल जी ने 7 लक्षण चुने, प्लांट हाइट, प्लांट फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, शीट शेप, शीट कलर, प्लांट हाइट, टेल, वायलेट, एक्सिस, फूल, ग्रीन, राउंड, येलो, ड्राफ्ट, वाइट, टर्मिनल, कौन से हाइट, येलो, व्रिंकल, ग्रीन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लक्षण हैं। और ये प्रभावी है या अप्रभावी है। प्रभावी लक्षण जो हमें प्रदर्शित होते हैं, बाहर से दिखते हैं, वो प्रभावी होते हैं। अप्रभावी जो पीढ़ी दर पीढ़ी छुपे होते हैं, नेक्स्ट पीढ़ी में हमें प्रदर्शित होते हैं, वो अप्रभावी होते हैं, जैसे फिनोटाइप, जीनोटाइप। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और देखना ज़रूर हम मेंडल के तीनों नियमों उनके अनुप्रयोग को बताएंगे आगे की वीडियो में। So please like, share and comment. Thank you.